ईशा अंबानी की शादी के एक महीने बाद सामने आई इनसाइड तस्वीरें। हल्दी सेरेमनी में ऐसा था लुक। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी पीरामल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ अजय पीरामल व स्वाति के बेटे आनंद पीरामल से पिछले साल 12 दिसंबर को हुई। ईशा की शादी की तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन हल्दी सेरेमनी की कुछ तस्वीरें अभी कुछ देर पहले सामने आई हैं। अपने हल्दी सेरेमनी में ईशा ने सब्यसाची का डिजाइनर लहंगा पहना। ईशा ने लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी कैरी किया। सिंपल लुक में ही ईशा किसी परी से कम नहीं लग रही हैं। ईशा के साथ आनंद पीरामल भी गोल्डन रंग की शेरवानी पहने नजर आए। दोनों एक दूसरे के साथ काफी जंच रहे हैं। ईशा की शादी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के साथ साथ तमाम बड़े राजनेता भी मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया पहुंचे थे। शादी से पहले ईशा का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन जोधपुर में रखा गया था। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति घराने के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में देश की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। ईशा की शादी का रिसेप्शन 14 दिसंबर को मुंबई में आयोजित किया गया। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल के रिसेप्शन में भी बॉलीवुड और राजनीतिक जगत के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। मुंबई में पार्टी के दौरान ईशा ने गोल्डन कलर का आउटफिट पहना था, वहीं आनंद ने ब्लैक कलर का सूट पहना। बता दें, ईशा अंबानी की एंगेजमेंट पार्टी इटली के लेक कोमो में हुई थी। एंगेजमेंट में दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी शिरकत की थी। खबरों की माने तो ईशा अंबानी शादी के बाद 452 करोड़ रुपए के अलीशान बंगले में रहेंगी, जो मुंबई के वर्ली इलाके में है। खास बात यह है कि यह बंगला ईशा को सास ससुर की तरफ से शादी के तोहफे के तौर पर दिया गया है। फिलहाल इस बंगले पर काम किया जा रहा है।